बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड ईयर का आठवां सबक है इंग्लिश का, चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस। और जो शार्ट किया गया है सिलेबस, उसमें भी ये शामिल है। और वैसे भी ये बड़ा अहम है, क्योंकि चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, तो उस वजह से इसको अहमियत हासिल है। और इस वजह से अक्सर क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। और ये जो वीडियो है, ये एफ ए एफ एस सी आई काम डी काम तमाम क्लासेस के तलबा के लिए है, और बहुत अहम सवालात दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाई हैज द वर्ल्ड चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड द चाइना। Why has the world changed its attitude towards the China? दुनिया ने चाइना के बारे में अपना रवैया क्यों बदला है? Why has the world changed its attitude towards the China? दुनिया ने चाइना के बारे में अपना रवैया क्यों बदला? जवाब इसका है, the world has changed its attitude towards China because of its great progress. After independence in 1949, China made immense progress in social, agriculture and industrial fields. और दुनिया ने बड़ा चेंज, आज दुनिया ने अपना रवैया चाइना के बारे में इस वजह से बदला क्योंकि उसने बहुत तरक्की की। और आजादी के बाद 1949 में, आजादी के बाद चाइना ने बहुत तरक्की की समाजी, ज़राई और सरंती मैदानों के अंदर, बहुत ज्यादा तरक्की हुई है वहां पर। डिस्कस चाइनीज एग्रीकल्चर सिस्टम। और चाइनी ज़राअत के निज़ाम पर तवाला ख्याल करें, बहुत अच्छा निज़ाम है दुनिया का एग्रीकल्चर का चाइना का। और हर फसल जो है वो वहाँ बहुत अच्छी होती है। कॉटन दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना में ही होती है। इन चाइना एग्रीकल्चर लैंड हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेक्टर्स नोन एज केमंस। दीज केमंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड्स। द चाइनीज स्टिल कैरी ऑन देयर ट्रेडिशनल लेबर along with modern agriculture machinery. चाइना में ज़रई ज़मीन को छोटे छोटे सेक्टर में तकसीम किया गया है, जिसे कैम्यून्स कहा जाता है, कैम्यून्स। और ये जो कैम्यून्स हैं, इनको मजीद पैदावारी ब्रिगेड्स में तकसीम किया गया। और चाइना में अभी तक भी रवायती मजदूर हैं और जदीद तरीन ज़रई मशीनरी के साथ साथ रवायती मजदूरी भी मौजूद है वहां पर। हाउ डज चाइना रिलाई ऑन इट्स ओन सोर्सेज? ऑन रिसोर्सेज चीन अपने मिसाइल पर किस तरह इंसार करता है? चाइना रिलाइज ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज बाई यूजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मशीन्स prepared in China. China इस तरह इनसार करता है अपने वसाइल पर कि वो तमाम किस्म की पैदावार और मशीनरी China में तैयार करता है। Such products and machines are easily available. और ये पैदावार मशीनरी आसानी के साथ मयसर हैं। They are cheaper than foreign machines. और गैर मुल्की मशीनों से ये सस्ती भी हैं। खुद अपनी हर चीज बनाता है चाइना। डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ चाइनीज स्टूडेंट। चाइनीज तालिबिल्म की जिंदगी में एक दिन की वजाहत करें, एक दिन वो कैसे गुजारता है? और ये जीवन जीवन स्यूर प्रेजेंट द स्टूडेंट्स इन चाइना। और जीवन स्यानो आस्याओ, ये जो है वो नुमाइंदगी करते हैं तुलवा की चाइना में। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठता है। डज सम डोमेस्टिक
वो सुबह सुबह उठता है, घर कुछ काम करता है, नाश्ता करता है और स्कूल चला जाता है, गोज टू स्कूल एट 8 बजे आफ्टर 11 AM 11 बजे शी कम्स बैक होम और वो वापस घर आता है, टेक्स और लंच अपना दोपहर का खाना खाता है एंड गोज बैक टू द स्कूल, वापस स्कूल चला जाता है। शी एंड रिवाइजेस हिज लेसन, वो अपना लेसन जो है वो रिवाइजेस करती है। आफ्टर 4 o'clock शी टेक्स रेस्ट द न्यूज पेपर एंड एंजॉय द रेडियो, और इस तरह 4 बजे शीटे वो रेस्ट करती है और न्यूज़पेपर पढ़ती है, एंजॉय द रेडियो, रेडियो से लुत्फ़अंदोज़ होती है। बोले लड़का है कि लड़की है, कभी ही लिखा है कभी ही लिखा है। राइट ए नोट ऑन द चाइनीज वोमैन, राइट ए नोट ऑन द चाइनीज वोमैन, चीनी ख्वातीन पर नोट लिखें। चाइनीज वोमैन आर हार्ड वर्कर, चाइना की ख्वातीन बहुत ही मेहनती हैं, दे लैक फेमिनिटी और उनमें नखरानियत नहीं है औरतों जैसी जैसे हमारे यहाँ है। दे डू नॉट यूज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यानी क्रीमें वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करती। दे एंजॉय मैनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, और बहुत उनको माशरती तहफ्फुज़ हासिल है। दे एंजॉय फ्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी, उनको मेडिकल की सहूलियात और मुफ्त अस्पताल की सहूलियात वहाँ पर मौजूद है। व्हाट आर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द चाइनीज वर्कर्स, चाइनीज वर्कर को कौन सी जो है माशरती तहफ्फुज़ हासिल है। वर्कर्स इन चाइना एंजॉय कंप्लीट सोशल सिक्योरिटी, और चाइना में जो काम करने वाले लोग हैं उनको मुकम्मल तौर पर माशरती तहफ्फुज़ हासिल है और उसके फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। इट मीन द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कम्फर्ट्स एंड नीड इन सोसाइटी, नीड्स इन सोसाइटी। इसका मतलब है रियासत जो है वो जिम्मेदार है उनके आराम की और उनकी जरूरियात की। दे आर प्रोवाइडेड हाउसिंग, और उनको घर दिए जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी घर और जो है इलाज की सहूलियात दी जाती हैं। दे एंजॉय इजी टर्म्स ऑफ सर्विस इन फैक्ट्रीज, और आसान शराइत पर उनको नौकरियां दी जाती हैं फैक्ट्रियों के अंदर एंड द फैसिलिटी ऑफ असिस्टेंस स्कीम्स, और बहुत सारे उनको सहूलियात दी जाती हैं, मदद दी जाती है। It is the people and not the things that are decisive. और फैसला कौन चीजें, लोग होते हैं ना के चीजें होती हैं, लोग फैसला कौन है। According to the writer, here are two words. One is the word of facts and figures, the other is the word of faith. दो दुनियाएं हैं, और एक है वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स, हकाई की दुनिया और हकीकत की दुनिया, एंड द अदर द वर्ल्ड ऑफ फेथ, और दूसरी यकीन की दुनिया। माओ चाइनीज लीडर बिलीव्ड दैट नंबर ऑफ पीपल आर इकोनॉमिक फैक्ट्स एंड फिगर डज नॉट काउंट, बहुत सारे लोग जो हैं माशी नुक्ता नजर को सामने नहीं रखते, पीपल देमसेल्फ आर इंपॉर्टेंट, लोग बड़े अहम हैं। If they have the faith for the benefit of the people, अगर वो लोगों के benefit मफाद के लिए जो है मफाद में यकीन रखते हैं, मान रखते हैं। The heart of the matter is the need to root out selfishness, discuss. इस मामले में दिल खुदगर्जियत को जड़ से उखाड़ फेंकना, खुद गर्दियत को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है, इस पर बहस करें। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस बयान के मुताबिक, एवरीवन शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स, दूसरों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए हर किसी को। द सीक्रेट ऑफ चाइनाज प्रोग्रेस, चाइना की तरक्की का जो राज है, लाइज इन द
according to the statement everyone should work for the betterment of others. दूसरों की बेहतरी के लिए हर किसी को काम करना चाहिए. The secret of China's progress और चाइना की तरक्की का जो राज है lies in this principle is असूल में मुजमेर है. They work for the benefits of all. वो तमाम लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं. ये है चाइनीज माशरा और एक दूसरे के बेहतरी के लिए काम करने वाला सारा माशरा है. इसलिए उन्होंने इतनी ज्यादा तरक्की की है. ये कुछ सवाल भी है और कुछ चंद असूल भी है जो हमारे नौजवानों को फॉलो करने की जरूरत है बल्कि हर आदमी को. और बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे सफादा हासिल करें. देखें सवाल के जवाब और इसका तर्जमा. पहले सब का तर्जमा पढ़ें. सब तर्जमा भी इसके साथ दिया जा रहा है और इसका पहले तर्जमा देखें और फिर इसके सवाल के जवाब करें और इस तरह इनमें से जो ऑब्जेक्टिव है वो खुद खुद आपका तैयार हो जाएगा. और जो मौजूद के सवाल हैं इंतहाई मुश्किल आते हैं पार्ट सेकंड में. जब तक आप सबक को नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आप वो पेपर हल नहीं कर सकेंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर और बी केयरफुल इन योर लाइफ एंड ऑलवेज कंसीडर्ड SOPs regarding Corona pandemic. Thank you very much.